हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू पे। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, ऐसी सिचुएशन में अपना ख्याल रखें। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ नई अपॉर्चुनिटीज की, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो उससे पहले, इस वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले, बस आपको तीन काम करने हैं। पहला क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है तुरंत की तुरंत, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर देना है, जिससे कि जब भी चैनल पर कोई नया वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। क्योंकि ऐसा होता है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो जब आप वीडियो बाद में कभी देखते हो तब तक लिंक एक्सपायर हो जाता है, फिर आप कंप्लेन करते हो कि लिंक एक्सपायर हो गया है। सो ये मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें। और तीसरा काम ये है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप सारी अपडेट्स को टच में रहें। ठीक है, तो ये तीन काम करने के बाद अब आप वीडियो फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। तो पहली अपॉर्चुनिटी, जैसा कि आप देख सकते हो, कॉग्निजेंट की तरफ से, तो कॉग्निजेंट हायर करिए आर्ट्स एंड साइंस स्टूडेंट्स के लिए, और ये ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे करेंटली देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन है आईटी प्रोग्रामर ट्रेनी का जो रोल है वो ऑफर किया जा रहा है, और 2019-2020 बैच के लिए है। बीसीए बीएससी आईटी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, पीजी कोर्सेज आर नॉट एलिजिबल। तो अगर आपने इन जो कि यहाँ पे ब्रांचेस मेंशन है, इससे बीसीए बीएससी ऐसा कुछ किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मेनली बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि बीएससी वालों के लिए नहीं रिक्रूटमेंट आ रहा है, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकेडमिक रिकॉर्ड की बात करें तो 50% मांगा है 10th में, 12th में, डिप्लोमा यूजी में। ठीक है, और कोई नो स्टैंडिंग अरियर्स इन करेंट एजुकेशन, ये मेंशन किया है। 2 साल का गैप मैक्सिमम अलाउ किया है एजुकेशन में, ओपन टू इंडियन नेशनल्स ओनली, राइट। और आप फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि इंडिया के किसी भी पार्ट में आप रिलोकेट कर सको, और कोई भी शिफ्ट या डोमेन आपको प्रोवाइड करा जा सकता है। डेजिग्नेशन है प्रोग्रामर ट्रेनी, इनिशियल कंपनसेशन मेंशन किया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस में तो आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है। एलिजिबल का मीन्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, अगर आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप इसमें डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट होगे। तो उसके बाद आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, फिर आपका वर्चुअल इंटरव्यू होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर ले तो रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, हाई लेवल डिजाइन, माइनर कोडिंग चैलेंजेस, यूनिट टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लोजर, यूज टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर ऑटोमेशन ऑफ यूनिट टेस्टिंग, डेवलप स्टेप प्रोग्राम्स टू मिनिमाइज इफेक्ट लीकेज इन STUAT, इंडिपेंडेंटली रिजॉल्व टेक्निकल इश्यू इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एनवायरमेंट, अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री बिजनेस मॉडल एंड इट्स रोल इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स, पजेस अ स्ट्रॉन्ग ड्राइव टू इनोवेट एक्सपेरिमेंट विद द न्यू टेक्नोलॉजी एंड एप्टीट्यूड टू बी ए लर्निंग चैंपियन, डिस्प्ले ट्रेट्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी, इंक्लाइंड टू सेल्फ लर्न एडजेसेंट टेक्नोलॉजी एंड कंट्रीब्यूट टू अ स्ट्रॉन्ग पीयर लर्निंग नेटवर्क। दूसरा रोल जो कि ये ऑफर करें, ये है CIS ग्रेजुएट ट्रेनी का, जो कि सारे आर्ट्स और साइंस के यूजी कोर्सेज जो कर रहे हैं बच्चे 2019 और 2020 के लिए, इसके लिए एलिजिबल है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी सेम चीज मेंशन करी हुई है कि 50% जो आपके 10th 12th डिप्लोमा यूजी में होने चाहिए, कोई स्टैंडिंग अरियर्स नहीं होना चाहिए करेंट एजुकेशन में, मैक्सिमम 2 साल का गैप अलाउ है, और इंडियन नेशनल्स के लिए है। डेजिग्नेशन आप देख सकते हो, ये आपका इनिशियल कंपनसेशन। यहाँ पर भी क्या होगा, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हो तो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, फिर वर्चुअल इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे आप ये जॉब डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ सकते हो कि क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने मेंशन करा हुआ है। अब अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्टर नाम पे क्लिक करना है, तो आप इस पेज पर आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कभी फॉर्म भरे, मेनली बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि कॉलेज नेम गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, अब क्या करें। तो देखिए, फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो आप हमेशा फॉर्म फिल करते वक्त, फिल करने के बाद भी एक बार उसको प्रॉपरली रीचेक कर लें, राइट। बिकॉज अगर एट द लास्ट जाती, लास्ट मोमेंट में जाती, अगर आप सिलेक्ट होने के बाद भी आपको रिजेक्शन हो जाता है क्योंकि आपने डिटेल्स गलत प्रोवाइड करी, तो बहुत दुख होता है, राइट। तो इसीलिए ऐसी गलती ना हो तो फॉर्म को प्रॉपरली चेक करके ही फिल सबमिट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको प्रेफर रोल बताना है कि आप कौन से रोल के लिए इंटरेस्टेड हो, आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, अपनी ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी दोबारा एंटर करनी है, और ध्यान रखिए वही ईमेल आईडी मेंशन करिए जो आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, डेट ऑफ बर्थ और नेशनैलिटी, परसेंटेज 10th में, 12th में,
पासिंग ईयर अपना डिप्लोमा का पासिंग ईयर या 12th का पासिंग ईयर यहाँ मेंशन करना है, और इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म कम्प्लीटली फिल कर लेना है, ठीक है, और फिर उसको सबमिट कर देना है। सिर्फ 19 and 20 पास आउट्स के लिए ये है। दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो है IBM की तरफ से। तो जैसा कि आप देख सकते हो IBM हायर कर रहा है एसोसिएट सिस्टम्स इंजीनियर रोल के लिए, ठीक है। एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये IBM के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है आपके बारे में, आप वी आर लुकिंग फॉर पैशनेट ओरिजिनल थिंकर्स हु वांट टू चैंपियन प्रोग्रेस फॉर देयर करियर्स एंड ग्रोइंग देयर नेटवर्क। इफ यू सी योरसेल्फ एज समवन हु नेवर स्टॉप्स लर्निंग, हु बिलीव्स नो प्रॉब्लम इज टू बिग टू सॉल्व एंड हु वांट्स टू एक्सप्लोर अ पर्सनलाइज्ड करियर विद IBM, IBM सर्विसेज इज फॉर यू। प्रोग्राम के बारे में दिया गया है, तो द IBM सर्विसेज एसोसिएट प्रोग्राम पुट्स यू ऑन क्लाइंट फेसिंग टीम एज कंसल्टेंट, डेवलपर्स, डिजाइनर्स, डेटा साइंटिस्ट, टेक्निकल स्पेशलिस्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आप इसको एक अच्छे से एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और एट्रीब्यूट कोर स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर मेंशन करी हुई है। यहाँ पे देखिए अगर रिक्वायर्ड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की बात करें, उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरीके का टेक्निकल एंड प्रोफेशनल यहाँ पर भी मेंशन करा हुआ है। लीडरशिप, इंपैक्ट ऑन बिजनेस, रिक्वायरमेंट में मेंशन करा हुआ है बैचलर्स डिग्री। तो अगर आप 19, 20, 21 बैच से हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बीटेक, बीई, एमसीए, एमटेक, एमई करे हुए हो तो करे हो या फिर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको पढ़ सकते हो। अभी इसको आपको अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अगर आपका यहाँ पे पहले से अकाउंट है तो दैट्स गुड, आपको साइन इन करना है, अदरवाइज आपको अपने आप अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद अप्लाई करने के बाद क्या होगा, आपको एक रेफरेंस नंबर प्रोवाइड किया जाएगा आपके ही मेल पे जो आपने यहाँ पे मेंशन कर रखा होगा। फिर उस रेफरेंस नंबर से आपको क्या करना है, अभी आपका फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं हुआ, राइट, अभी आपका फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं हुआ। आपको ये फॉर्म जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो इसको भी इसको फिल करना है, तभी आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, राइट। ये ध्यान रखिएगा अगर आपने एक भी स्टेप इसमें से मिस कर दिया तो आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो IBM ऑफ कैंपस, इसको एक बार आप गो थ्रू कर लेना, रजिस्टर पे क्लिक करोगे जैसे ही यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फिर पहले वहां पर अप्लाई कर देना है जॉब के लिए और उसके बाद इस फॉर्म को पूरी तरीके से फिल कर देना है, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हो जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, जेंडर, आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो, आपको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में कहाँ से पता चला, यहाँ पे देखिए मांगा है IBM कैंडिडेट रेफरेंस नंबर। ये रेफरेंस नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप वहाँ पोर्टल पे जाके वो लिंक पे अप्लाई करोगे। पोर्टल पे आपको जाने की जरूरत नहीं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया गया है, तो वहां से आप पहले रजिस्टर करिए और उसके बाद ये इस फॉर्म को फिल करिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप 19, 20, 21 ये सारे दिए गए हैं, लेकिन इसके लिए एलिजिबल जो है वो 19, 20 और 21 बैच है, राइट। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ब्रांच आप यहाँ से चूज कर सकते हो, और कॉलेज का नेम, कॉलेज का स्टेट, यूनिवर्सिटी का नेम, 12th के परसेंटेज, डिप्लोमा परसेंटेज, 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर, 10th के परसेंटेज, कोई बैकलॉग है तो वो मेंशन करना है, कोई वर्क एक्सपीरियंस है एक्सक्लूडिंग इंटर्नशिप, इनका इंटर्नशिप के बारे में मेंशन नहीं करना है, साफ साफ लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग, राइट। तो अगर वैसा कोई, अगर आपकी किसी कंपनी में काम किया है थोड़े टाइम के लिए और जैसा भी जो है वो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना, राइट। जो हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जैसा कि आप देख सकते हो वो है इंटेल की तरफ से। तो इंटेल जो है वो हायर करिए इंटर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बी क्वाइट डाइवर्स एंड आर एक्सेम्प्ट नॉन टेक्निकल इन नेचर, यूएस एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन रिक्वायरमेंट विल वेरी सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग ऑन द यूनिक नीड्स ऑफ द जॉब। जॉब असाइनमेंट्स आर यूजुअली फॉर द समर और फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड्स ड्यूरिंग ब्रेक्स फ्रॉम स्कूल। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो कि मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, proficiency in programming using C++, .NET, Python and Oracle, SQL, PL/SQL। और यहाँ पे आप थोड़ी सा और इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। तो अगर आपको ये जॉब सुटेबल लग रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, डेफिनेटली आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो ये थी कुछ वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज आप सभी के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो अभी के भी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दो। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।